सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये लोकेशन भी आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन इस लोकेशन के बारे में मुझे ये पता चला कि ये दिन में भी हॉन्टेड है। मतलब एक सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो कहते हैं ना कि दिन में भूत नहीं होते भाई, वो अब देख लेना मेरे चैनल पे, आप लोग देख लेना। ये कुछ आवाज़ है कि दिन में भी भूत कहाँ और कैसे नज़र आते हैं। ठीक है, ये लोकेशन है अंकल आंटी वाली, और यहाँ पे मुझे स्टोरी बताई गई कि शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब अंकल आंटी की आत्मा यहाँ पे चाय पीने के लिए आती है। मतलब ये घर उनका हुआ करता था, और ये बताया गया कि चाय पीने के लिए स्पिरिट्स उनकी यहाँ पे आती है। यहाँ से इस कमरे के अंदर जो उन अंकल आंटी के बाद में एक फैमिली रही थी, उनके बच्चे की, ये क्या हो रहा है, एक बच्चे की स्पिरिट का वीडियो मैंने बनाया था, कैप्चर हुई थी वो। ये देखो भाई, मतलब स्टोरी तो मैं बता ही नहीं पाता भाई, और ये एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। ये गेट मूव करने लग गया मेरे सामने बिल्कुल। तो अंकल आंटी, क्या आप यहाँ पे हो? 4 बजे फिक्स, 4 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ और देखने आया हूँ कि क्या आप लोग हो। ये तो यहाँ से आवाज़ आई। शिट, मतलब भाई इतनी डेंजर कैसे हो सकती है कोई भी लोकेशन दिन के टाइम पे? ये क्लियर आवाज़ आ रही है बाहर से, अंदर से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये सामने आपके भाई, ये देखो, ये खिड़की मूव हुई है अभी। ओ, कोई चल रहा है। अंकल जी, क्या ये आप हो? अंकल जी, अगर आप हो तो क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? अगर आप सामने आ जाओगे, ओह, ये देखो, ये गेट मूव कर रहा है। ओ भाई, खुल गया गेट। क्या आप मुझे बुला रहे हो अंदर? मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। अंकल जी, मैं आपके लिए चाय भी लेके आया हूँ। क्या आपको चाय पीनी है? यहाँ से कुछ मूवमेंट हुई लेफ्ट से। एक सेकंड भाई, कुछ तो है हलचल यहाँ पे, कोई तो हलचल है यहाँ पे। अंकल जी, क्या आप हो यहाँ पे? अगर आप हो, ये देखो, ये खिड़की मूव कर रही है, अगर आप हो तो मेरे सामने आ जाओ एक बार। ये देख लो भाई, ये आ गए सामने, ये गेट मूव कर रहा है। क्या आप बाहर हो या बाहर से आप अंदर आए हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये देखो, ऑब्स जा रहे हैं भाई, ऑब्स जा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे। क्या आप अंदर हो या बाहर से अंदर आए हो? अंदर आए भाई, अंदर आए हैं, मुझे पता लग गया। मतलब आपने यहाँ से लेके वहाँ तक मूव करा, वो मुझे पता लग गया। कैसे हो सकती है भाई दिन के टाइम पे इतनी एक्टिविटीज़? आवाज़ आ रही है मुझे, एक पता नहीं कौन से दरवाजे की आवाज़ आ रही है। ये देखो, सुन सकते हो आप, दिन के टाइम पे इतना हॉन्टेड और हॉरर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? मैंने सोचा नहीं था भाई। ओह शिट, ये देख लो आपके सामने है भाई। ये गेट बंद हुआ, इसमें तो वो भी नहीं है भाई पकड़ने के लिए कुछ। ये एक शेड हो गई भाई यहाँ से एक शेडो मूव होके गई भाई यहाँ से जंगल की तरफ। देख लो, सारी तरफ, चारों तरफ जंगल है। देख लो भाई, अच्छा ये दिन में आते होंगे भाई, लेकिन आज दिन में कोई भी नहीं है। देखो, जाले लगे हैं भाई, बहुत ही खतरनाक है लोकेशन। मतलब दिन में इतनी एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है यार? ये
ये देखो आवाज़ें आ रही है भाई गेट्स की, ये देखो, ये देखो भाई शेडो मूव कर रही है यार, एक दिन के टाइम पे भी एक शेडो मूव कर रही है। यहाँ पे नज़र आई मुझे एक शेडो, देखो मैं देख लेता हूँ एक बार, गेट भी बहुत छोटे छोटे से हैं यहाँ पे, यहाँ से मूव करी थी एक शेडो। जंगल है भाई, पूरा पूरा जंगल है, देख लो आप, कहीं आपको इंसानों की, ओ भाई गेट बंद हो गया मेरे लिए, तो एक गेट मेरे लिए बंद हो गया, ये देखो ये देखो ये गेट अभी, ये देखो आप लोगों के सामने है ये गेट मेरे लिए, अगर अगर इस गेट के पीछे कोई हुआ, ये देखो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये देखो एक आवाज़ आ रही है अंदर से, दिन में कैसे हो सकती है भाई इतनी हॉन्टेड लोकेशन, कोई दिन में नहीं हो सकती भाई, दिन में कोई भी लोकेशन हॉन्टेड नहीं हो सकती, ऐसा आप लोगों का कहना है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो एक शेडो मूव हुई नीचे से ऊपर की तरफ गई और ये गेट बंद हुआ, ठीक है, कौन है यहाँ पे? अगर अंकल आंटी आप में से कोई है, ओ भाई खांसने की आवाज आ रही, अंकल अंकल क्या है आप हो भाई, खांसने की आवाज भाई, अंकल की आवाज, ओ भाई मेल वॉइस है भाई ये, अंकल आप कहाँ पे हो, अंकल आप इस रूम में हो, वो पीछे से आवाज आई, अंकल आप मेरे सामने आ सकते हो, मेरे सामने आ सकते हो अंकल आप, मैं चिमनी वाले रूम में हूँ, आप मेरे सामने आ सकते हो, मैं यहाँ से मूव नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ आप मेरे, ये कुछ मूव हुआ भाई, गेट मूव हुआ यहाँ पे, क्या ये आपने किया है अंकल, मैं चिमनी वाले रूम में हूँ, क्या कुछ आप करके दिखा सकते हो भाई, बहुत खतरनाक है अंकल की स्पिरिट ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है यहाँ पे रह के, मैं उस रूम से बाहर आ गया इसीलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा था वहाँ पे, लाइट जला रखी है भाई दिन में भी मैंने यहाँ पे, ये कोई बोल रहा है भाई, कोई बोल रहा है भाई यहाँ पे, कौन है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को ना पसीना आ गया भाई बहुत तेज, इसलिए मैं एक बार, ये देख लो भाई सब आप लोगों के सामने है भाई, और फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो एक है ना, एक झाड़ी की मूवमेंट हो रही है, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये देखो फिर से इस रूम में जा रहा हूँ मैं, अंकल मैं चिमनी वाले रूम में हूँ, आप लास्ट बारी मुझे दिखा दो अपनी प्रेजेंस, दिखा दो कुछ भी करके दिखा दो मुझे, या तो आप मेरे सामने आ जाओ, या आप कुछ ऐसा करके दिखा दो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आप यहाँ पे मौजूद हो, ये देख लो भाई, ये देख लो एक शेडो मूव हुई है यहाँ से, एक शेडो मूव हुई है, और वो शेडो ना बहुत तेज़ी से मूव हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव हुई है भाई शेडो, मुझे ऐसे लगा जैसे पहले यहाँ गई है फिर वो शेडो, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, निकलना चाहिए यहाँ से, यहाँ से निकलना चाहिए भाई, दिन के टाइम में भी आप लोगों को जंगल दिखा देता हूँ मैं, कितना खतरनाक जंगल है ये, और आप लोग बोलते हो ना भाई ऐसे ही आ जाता है भाई, कुछ भी वीडियो बना देता है, ये देख लो भाई ये हवेली, इसमें दिन में वीडियो बना गया हूँ मैं, 4 बजे आया था मैं यहाँ पर, और तकरीबन 5:30 के करीब टाइम हो गया यहाँ पे, और जानवर भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, सांप वाप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं,
और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, क्योंकि रिस्की लग रहा है मुझे यहाँ पे। दिन के टाइम पे भी भाई कोई भी नज़र नहीं आया दूर दूर तक, कोई भी।